अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के नाम से हम लोग अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 2 महीने का ये शॉर्ट पीरियड आपका हमारा साथ गुजरने वाला है। माई सेल्फ फिजा शाहिद, ठीक है, इस कोर्स में, विजुअल असिस्टेंट के कोर्स में फीमेल मेंटोर मैं रहूंगी आपकी, और सर दानिश आप लोगों के मेल मेंटोर रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमसे होलसेल बिजनेस मॉडल पढ़ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, और वो लोग पीएल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद फिर हम वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स को हेलो हाय करते हैं। उसकी हेलो हाय करने की वजह ये है कि देखें, आप सब लोग एक जगह पे मौजूद हैं, एक ग्रुप के अंदर हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है। यहाँ पे हम सब लोग पैसे अर्न करने के लिए, डेफिनेटली स्किल सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आगे जाके आप सभी को आगे जाके आप लोग एक दूसरे के कुलीग्स भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबको आपस में एक दूसरे को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्कशन ये ग्रुप के अंदर चलती रहनी है कोर्स से रिलेटेड। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ कौन कौन है, कौन कौन से सिटी से हैं, और इस फील्ड में उनका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। सर दानिश, ओवर टू यू, प्लीज आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें खैरियत से ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो अल्लाह का नाम और बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम जो है वो दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस सेशन को जो है हम इस तरह करेंगे कि पहले तो आप सब लोगों को वेलकम करते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ा सा बेसिकली इंट्रोडक्टरी करेंगे, ठीक है। मैं अपने आप अपना तारुफ आप लोगों से करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सब ने एक एक होके अनम्यूट होके और अपना जो है वो इंट्रोडक्टरी देनी है, ठीक है। आप ये बताएंगे आपका नाम क्या है, अगर आप बताना चाहें अपना जो है वो एड्रेस कहाँ से हैं आप, अपना सिटी का नाम बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल क्या बैकग्राउंड है आपका, एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड है, किस चीज़ में आप जो है वो एक्सपर्टीज आपको है, और आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। क्या ऐसी जो है वो आपको चीज़ जो है वो अच्छी लगी या जो है वो आपको अट्रैक्ट की कि आप जो है वो इसमें इनरोल हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेशन होगा, फिर जो है हम वो कोर्स आउटलाइन की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा नाम दानिश रजा है, ठीक है। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, ठीक हो गया, और इस फील्ड में मुझे लगभग 1 साल हो गया है, ठीक है। और फाइन डेम्स, ये पहले हमारा नाम था सेल्फ रिलायंस, ठीक है। वो हमने जब गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाया तो फिर हमें सेल्फ रिलायंट नहीं मिला, क्योंकि वो डोमेन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हमने जो इसका फाइंड एम से नाम रजिस्टर करवाया। तो अब से हमारा 6 महीने हो गए, हमें तकरीबन मेंटोरशिप में, हमें पढ़ाने में, ठीक है। उससे पहले हमारा एक्सपोजर ये है कि हमने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, स्टिल टुडे आज तक मैं नई नई चीज़ें अमेजोन के हवाले से सीखता रहता हूँ, ठीक हो गया। और मजीद ये है कि इंशाल्लाह साथ रहेंगे, और मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि एज अ बिगनर एज अ न्यूबी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, ठीक है। आप कितने जो है फास्ट लर्नर हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हरगिज इसका मतलब नहीं होता है, अगर किसी ने यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में या एकेडमी में किसी में एडमिशन ले ली तो अब ये उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन आपकी खुद की भी है, ठीक है। मैं बहुत इस चीज में स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, 1000 मरतबा आप मुझसे पूछेंगे, ऑनलाइन पूछें आप जो है वो रिकॉर्डेड आप लोगों को लेक्चर दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम गुजर जाने के बाद आप जो है ना, वो कोई बंदा कहता है जी 1 महीना हो गया और स्टिल वो जो है वो छोटी छोटी चीजें, बच्चों वाली चीजें वो पूछ रहा है, जो कि ऑलरेडी लेक्चर में आप लोगों को बताई गई है,
तो फिर थोड़ा सा बुरा फील होता है कि भाई जब हम पढ़ा रहे थे तो आपका ध्यान कहाँ था। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पहले दिन जो है जो लेक्चर हो उसको अच्छे तरीके से सुने। ठीक है, आपको उस वक्त सवाल नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, आप काइंडली वो देखें। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, मजीद अगर कुछ बाकी रहता है, आपका कुछ रह गया तो उसको नोट डाउन कर लें। दूसरे दिन जो क्लास होगी आप उसमें वो क्वेश्चन अपने रेज करें और उसको सॉरी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही जो है आप उसको आपको क्लियर करें अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए नहीं होगा। अच्छा, क्लास जो है वो एक दिन होगी, दूसरे दिन छुट्टी होगी। छुट्टी देने का मतलब ये है, ऑफ देने का मकसद ये है कि आप जो है उसको जाके प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल डिपेंड इसी पे ही होता है, हम सिर्फ थ्योरी पे नहीं ध्यान देते, हम हैंड्स ऑन करवाते हैं। बाकायदा आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं हम आपको कर देते हैं, नॉलेज पूरा कंप्लीट देते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, आखिर में हम आपसे रिजल्ट भी चाह रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरे दिन छुट्टी देने का मकसद भी यही होता है कि आप आज सीखें जो आपने वो कल हमें करके दिखाएं जो हमने इधर आपको सर, दी। जी मैडम, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। ये जो बात की है कि आप सभी के लिए एक गाइडलाइन है, जो आप बल्कि ना कॉपी पे नोट डाउन कर लें। एक चीज माइंड में रखें कि ये शॉर्ट टाइम कोर्स है, 2 महीने का। इसमें ये जो छुट्टी दी जाएगी, ये बेसिकली हॉलिडे नहीं होगी। ये काम ऐसा है कि ये प्रैक्टिस मांगता है, उस प्रैक्टिस के लिए आपको छुट्टी दी जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि पहला लेक्चर आप लेने के बाद अगर उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो आप खुद को समझ जाएं कि आप इस फील्ड में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन ऐसे पर्संस जो पहले लेक्चर में ही नहीं आए, ठीक है, अगर आ गए हैं और पहले लेक्चर के बाद अपनी पहली असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं की, तो वो उसी टाइम समझ जाए कि इस फील्ड में आपकी कोई जगह नहीं है। आगे जाके आप मतलब कहीं पे भी फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप इसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मतलब मेरे समझाने का मतलब ये है कि इन 2 महीनों में आउटिंग्स छोड़ दें, ठीक है, एक्स्ट्रा होटलिंग छोड़ दें, जो इधर उधर मतलब एक्स्ट्रा आप लोगों की जो एक्टिविटीज हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, टोटल इस पे फोकस कर लें। क्योंकि अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आपको वो कह लें कि पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी। और ये बात है कि प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि देखिए, नॉर्मली क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर जगह पे मौजूद हैं, आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, आपको पेड में भी मिल जाएंगे। लेकिन खाली लेक्चर लेके हमने रट्टे तो नहीं लगाने हैं ना, हमने तो अल्टीमेटली यहाँ से आगे जाके डॉलर्स कमाने हैं, रुपीज भी नहीं, डॉलर्स कमाने हैं। तो इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों के स्टार्टिंग से ही क्लियर होने चाहिए। उसके लिए ग्रुप अवेलेबल है, एक क्वेश्चन को आप 100 मरतबा करें। हम 2 मिनटोर्स यहाँ पे आपको आंसर करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस करें, अपनी चीजों को आप क्लियर करेंगे, ठीक है? क्योंकि सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, रिजल्ट्स, आउटपुट आनी चाहिए। जी बिल्कुल है, सही है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का करवाने का मकसद भी हमारा ये है, जो हेजिटेशन है वो आप लोगों की खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, आप अपने टीममेट से बात करें। हम ये चाहते हैं आप स्टार्ट ले लें। ठीक है, पहला आपका स्टार्ट ये होगा, आपने एनरोल करवा लिया खुद को, या आप अब स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मजीद हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ आप जो है वो पहले सीखना सीखेंगे, उसके बाद आप जो है वो सीख के बोलते कैसे हैं। ठीक है, राइटिंग आपकी जो है वो यहाँ पर होगी, ठीक है, अच्छी होगी, काफी सारी चीजों पर हम काम करेंगे। ठीक है, जो छोटे मोटे स्किल हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों की एक्टिविटी, आपका जो है वो यहाँ का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो कहीं पे भी अपने आप को देखिए, आप खुद अपने आप के जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो फिर होगा, नहीं चाहेंगे, टाइम नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा मैं आप जी लोगों को अपने एकेडमी के हवाले से स्लाइड्स कुछ है आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, कुछ हमारा जो है वो मकसद भी है, जाहिर सी बात है, इसको प्लेटफॉर्म को जैसे हमने लिया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो है वो लोग ऑनलाइन ट्रेड करें। ठीक है, अपना कारोबार करें, क्यों नहीं अपना लाइफ स्टाइल जो है वो, जाहिर सी बात है, कमाएंगे तो फिर ही अच्छा होता है ना। वी रियली नीड
मनी, ठीक है। तो वो रिस्क हिलाल से अगर घर बैठे हम कमा सकते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि पूरी दुनिया कमा रही है, तो पाकिस्तान के भी लोगों के लिए ये शुक्र है अल्लाह का कि पिछले साल ही इसको जो है वो अमेजोन ने हमारी पाकिस्तान को जो है वो लिस्ट में, अप्रूव लिस्ट में डाला, ताकि हम अब पाकिस्तान से भी बैठ के कारोबार कर सकते हैं। पहले भी हो रहा था, पहले भी पाकिस्तानी कर रहे थे, लेकिन वो फिर बहुत सारे दूसरे तरीकों से कर रहे थे, और जैसे ही वो पकड़े जाते थे तो फिर वो अमेजोन के ऊपर पेनल्टी कर देता था, ठीक है। तो नाउ वी आर लीगल। जी बिल्कुल जी सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि देखें, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तानी पीपल जो हैं स्ट्रगल करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन देखें पाकिस्तानी रुपीस कोई अगर जॉब भी कर रहा है तो मेरे ख्याल से 20,000 ठीक है अगर एक फीमेल टीचिंग के लिए जाती है, ठीक है, अगर मतलब ज्यादा ही अच्छी कोई जॉब होगी 30,000-40,000 मैक्सिमम 50,000, कोई कोई होता है जो इससे भी ज्यादा सैलरी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इतने महंगाई के दौर में मेरे हिसाब से अब इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। कुछ भी नहीं, और बिल्कुल जी, और ये कि जब हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए इतने ज्यादा अगर हम पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा घंटे भी उसी जॉब पे या उस बिजनेस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद आपको कुछ थाउजेंड मिलना स्टार्ट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो आप लोग चंद घंटों के अंदर डॉलर्स कमा लेते हो, ठीक है, डॉलर्स को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो बिलीव मी एक वो कह लें कि अगर हम नलायक से भी अभी बन जाएंगे ना तो 1,80,000-70,000 हम आराम से कमाना शुरू कर देते हैं। इसकी ब्यूटी ये है इस प्लेटफॉर्म की कि ये डॉलर्स में हम लोग अर्न करेंगे, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट होकर ये ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, ठीक है, काफी सारे वो रुपीज बन जाते हैं वो भी शॉर्ट टाइम में। दूसरा ये कि मैं इस फील्ड में ख्वातीन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ, उसकी वजह ये है कि देखें आपको ये स्किल सीखने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे मुआशरे में ख्वातीन का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, हम सब इस चीज को समझ सकते हैं, तो ये आप घर पे रह के स्किल को सीख सकते हैं वो भी शॉर्ट टाइम में। दूसरा ये कि आप घर पे बैठ के अर्निंग भी कर सकते हैं, वो भी मतलब है कि चंद घंटे लगाएं आप, ठीक है, मदर्स हैं तो डेफिनेटली अपनी ड्यूटीज उन्होंने घर की पूरी करनी होती है, रात को 3-4 घंटे आप अपने लैपटॉप पे दें, ठीक है, प्रॉपर फोकस के साथ, तो आप लोग काम कर सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर मैं मेल की बात करूं तो वो भी जॉब करते हैं, ठीक है, तो जो एक शाम में इवनिंग का टाइम होता है उसमें अब ये 2 घंटे की क्लास अगर वो ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर लेट नाइट थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के बाद आप प्रैक्टिकली भी मतलब देख लेते हैं इस काम को, तो बिलीव मी आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस फील्ड को सीरियसली लेके चलें आप, उसके बाद आपको यहां से आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 6 महीने हमें हो गए हैं ये टीचिंग का जो है ट्रेनिंग का हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो हमने माशाल्लाह 100 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो अपने बैच से हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हम अपने सारे अच्छे स्टूडेंट्स को जो है वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। एक्टिविटी जरूरी है, ठीक है, एक बच्चा एक बंदा खुद को खुद प्रोमिनेट करता है, ठीक है, खुद जाहिर करता है, इंटरेस्ट खुद दिखाता है, एक्टिव खुद रहता है, ठीक है, ये कुछ झलकियाँ हैं आप लोगों के सामने, ठीक है, हमारे फेसबुक के ग्रुप हैं वहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं जो पढ़ते हैं अपनी जो चीजें अचीवमेंट करते हैं वो शोकेस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ झलकियां आपको। अच्छा जी सर, ये सर ये इस स्लाइड पे मुझे बोलने दें प्लीज। ये जनाब एक खातून है जो कि कराची से ही बिलोंग करती हैं और अब ये VA बन चुकी हैं, ये बिल्कुल हमारे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी, ठीक है, और ये 3 बच्चों की मदर है, ठीक है, और इन्होंने मतलब है कि जब अपने क्लाइंट को ग्रैब किया तो इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया ना, तो हमने उनकी चैट के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो हमने ले लिए, तो हमने कहा ये एक मोटिवेशन है आने वाले न्यू स्टूडेंट्स के लिए, और मैं सबके साथ ये चीज शेयर करती हूँ कि देखें वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, ये दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो अभी मतलब है कि वन बाय वन अभी हम आपको अनम्यूट करेंगे। सर आप पहले मिस सवेरिया को अनम्यूट कीजिएगा, उसकी वजह यह है कि वो हमारे साथ 1 महीना स्पेंड कर चुकी हैं, वो होलसेल बिजनेस कर चुकी हैं और अभी तक उन्होंने क्या सीखा और उनकी क्या प्रोग्रेस है वो अपने मुंह से बताएंगी, तो सबको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी।
इनका जो एक क्लाइंट था वो इनको फेसबुक से ही मिला था हमारी स्टूडेंट को. जी मिस सवेरिया आप हमें सुन रही हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फिट. मैं हाफ़िज़ा सवेरिया फैसलाबाद से, और जो इसमें न्यू है उन्हें तो बताना जरूरी है, और जो पुराने वो तो मुझे जानते ही हैं कि मैं एक महीना पहले से कोर्स कर रही हूँ सर के साथ और मैम के साथ. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि कोई यही कहूँगी कि मेरा जो एक मंथ का एक्सपीरियंस है ना, कि शायद मेरी कोई ऐसी नेकी थी जो अल्लाह ने मुझे ऐसे इतने अच्छे टीचर्स दिए हैं मेरी लाइफ में. थैंक यू सो मच. मैं थैंक पहले यू. भी बहुत जगह से सीख भी चुकी हूँ, यकीन करें कि मैं इतनी इतनी फीसिस पे करके सीख चुकी थी, लेकिन कुछ भी करना नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं लग रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ. इवन कि मैं इनेबलर पे भी 3 महीने लगा चुकी थी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं था कि मैं कहाँ से लूँ. इतनी अच्छी असाइनमेंट्स बनवाई हैं आप लोगों ने सर और मैम, आई एम रियली थैंकफुल बोथ ऑफ टू कि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 3 जो है क्लाइंट इस टाइम जो सही वाले सर आप क्लाइंट कह लें, एक तो जो होते हैं ना एम ही चलते फिरते आ जाते हैं प्रोडक्ट देखने, वो नहीं अच्छे वाले सीरियस वाले क्लाइंट 3 जो है वो इस टाइम मेरे साथ इन टच हैं मेरी प्रोडक्ट्स के लिए. इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और होप सो कि मेरा अगला भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा. बल्कि मैं ग्रुप में सब लोगों को यही कहूंगी कि ये 15 डेज हमारी क्लासेज हुई है सिर्फ, और 15 डेज में मैं इतना सीख गई जितना मैं 3 महीने में नहीं सीख सकी, और जितना मैं ईवीएस और बाकी सारी वीडियो से कहीं से भी नहीं सीख सकी, इतना मैं हो गई हूँ कि आप यकीन करें कि आज मैंने पूरा 2 घंटे का लेक्चर अपनी फैमिली में ही ये इस पे दिया जितना मैंने सीखा हुआ था यहाँ से सारा, और काफी लोगों को मोटिवेट किया सीखने के लिए ना. तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ सीख रहे हैं कि किसी को अच्छा मशवरा देना भी कहते हैं कि एक इबादत में शुमार होता है. सिर्फ यही नहीं कि हम नमाज कुरान पढ़े वही इबादत है, अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि किसी को अच्छा मशवरा दें या सीधी राह पे लेके वो भी एक इबादत है. तो काइंडली जो लोग उसमें पूछ रहे होते हैं कि हम अमेज़न का सीखना चाह रहे हैं, उन्हें ये प्लेटफॉर्म का जरूर बताएं. मेरे जितने भी साथ के फेलोज हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हम किसी को सही गाइडलाइन देंगे ना तो ये भी हमारी नेकी होगी और अल्लाह ताला हमारे रास्ते खोलेगा. तो काइंडली इस प्लेटफॉर्म पर सबको बताएं जो भी चाह रहा है काम करना या सीखना अमेज़न पे, तो वो क्यों ना एक सही जगह पे आके सीखे जहाँ से वो कुछ कर भी सके. थैंक यू सो तो मच. थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे अच्छा काम जा रहा है. जितनी भी मैं आप लोगों को दुआ दूं सर मैम आप दोनों के लिए खास तौर पे, थैंक यू सो तो मच. उसको ही काम है. थैंक यू सो मच. मोर पावर टू यू सर. मैं ये कहूंगा सवेरिया बेसिकली देखें, एक शीशा खुद इतना अच्छा होता है तो दूसरे को अच्छा बोल रहा होता है. बेसिकली ये खुद बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट ये रही है, ठीक है. जो असाइनमेंट हम लोगों ने दिया वो इन्होंने किया, उनको नहीं समझ आया उन्होंने 1000 दफा हमसे पूछा, हमने 1000 दफा बताया, ठीक है. इनकी अपनी मेहनत है, ठीक है. हाँ इनकी जो अचीवमेंट्स होंगी ना वो फिर हमारी कामयाबी, असल कामयाबी हमारी वो होंगी. माशाल्लाह जो ये कह रही हैं बिल्कुल इन्होंने जो है वो इतना इल्म हासिल किया है, अल्लाह ताला इनको और जो है वो कामयाबी दे. जबरदस्त जी मैडम. आमीन आमीन. जी एक बात और है कि सर सर बाकी अच्छी है ये चीज के जितनी बार भी ग्रुप में पूछते थे इतना बिजी होने के बावजूद जो आप लोगों की तरफ से फौरन हमें फीडबैक मिलता था ना, रियली मैं तो बहुत थैंकफुल इस चीज के लिए. शायद इतनी गाइडलाइन कहीं से भी नहीं मिलती. सर मिस अंबर जबीन को आप अनम्यूट कर दें. जी अंबर जबीन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. बस मेरे सबसे पहले तो सवेरिया को कॉन्ग्रेट्स कि माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा अचीव कर रही है, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला उसको और कामयाबी दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ हमें भी अल्लाह ताला कामयाब करे हमारे भी मकसद में, और जो और भी आए हैं न्यू कमर्स हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे सबको. और नो डाउट कि आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करवाते हैं, वरना बहुत मुश्किल लग रहा था ये होलसेल का. शुरू में मैं छोड़ने लगी थी, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैम फिजा की वजह से और आपकी वजह से मैं इसको, जिस वजह से मैं स्टक हो गई थी ना वो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया और फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर लिया इस चीज को. हम बेसिकली सॉरी टू से हम कान से पकड़ के सिखाते हैं. सिखाना है, फीस क्यों चार्ज की है उसको हिलाल करना है, ठीक है. तो
इस वजह से ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमर जबीन। थैंक यू जी। अच्छा मिस आसिया गनी है हमारे साथ, सर काइंडली इनको अनम्यूट कर दें। जी आसिया गनी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। मैं तो कराची से बिलोंग करती हूं और जैसे कि न्यू आपके साथ हैं, हमारे ग्रुप में न्यू आए हैं मेंबर्स, उनको मैं बताना चाहूंगी कि मैं एज अ हाउसवाइफ मैं अब ये ट्रेनिंग ले रही हूँ, एज अ हाउसवाइफ अपने घर में बैठ के ये काम करना सीखना चाह रही हूँ। लेकिन यकीन करें मेरे साथ भी ऐसे ही मसले मसाइल हैं, जैसे मैं क्योंकि अब एज अ सिंगल मदर मैं किस तरह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते, तो मैं किस तरह से यानी कि घर में रहकर और सारा काम सर्वाइव करके ये काम कर रही थी। और वही बात सर की बात से बहुत एग्री करूंगी कि हम कान पकड़ के सिखाते हैं, तो बिल्कुल वही मेरे साथ भी यही चीज हुई है कि सर ने वाकई में ये चीज बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली बोली है कि जो चीज समझ में नहीं आ रही थी वो सर ने इस तरह से बार बार दोहरा दोहरा के, और जिस तरह से हमने लेक्चर्स भी सुने हैं बार बार देखे हैं, लेकिन नहीं जो समझ आ रही थी वो ग्रुप में इस तरह से सर ने बाकायदा समझाया है कि वो, और मैम ने माशाल्लाह से इतना कोऑपरेट किया है, हर बात पर समझाती हैं उसको, जो चीज हमने लेक्चर में सुन ली है अगर वो दोबारा से वो उसे रिपीट कर देती हैं, बड़ी बात है कि उसको रिपीट करना कि आपने एक सवाल दूसरी दफा पूछना, तीसरी दफा पूछना, कोई अगर आपसे घर में ही कोई बात कर ले तो आप दूसरी तीसरी दफा तो बिल्कुल ही बोलेंगे कि भाई स्टॉप कर दो अब इस बात को। लेकिन माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों के कामों को, माशाल्लाह से आप लोगों ने जिस तरह से अंडरस्टैंड करवाया है रियली के वाकई वो बात है कि पहले दिल चाह रहा था कि कैसे करेंगे ये काम कि आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि माइंड ओपन हो गया है बिल्कुल ही, और किस तरह से करना है समझ में आ गया है। ये 15 डेज में ऐसा लग रहा है कि हाँ कि कुछ करने की चाह हो गई है। वो तो मैं तो अब तो एक सेंटेंस बोल रही हूँ, वो तो मैं आज सना को भी कह रही थी कि डरो नहीं, डर के आगे जीते वरना ड्यू पी लो जाके। बिल्कुल वही चीज आसिया, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है इनका बिल्कुल अच्छी मुझे बात एक लगी थी कि मैंने कहा मैडम से भी उस दिन बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये जो आसिया है ये गिव अप नहीं कर रही, ये बहुत जबरदस्त काम है। चलो नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, दोबारा पूछ रही है, इससे पूछ रही है, उससे पूछ रही है, मतलब लगी हुई है। ठीक है, तो आखिर माशाल्लाह आप लोग, आपको जो है वो ब्रांड की अप्रूवल भी मिली। ठीक है, काफी कुछ आपने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक्स। बिल्कुल अच्छा, ब्रांड अप्रूवल से याद आया, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मिस अंबर जबीन और आसिया और अलीजा, हमारी एक और स्टूडेंट भी है मिस अलीजा, अभी उनको अनम्यूट करते हैं। इन तीनों को ब्रांड अप्रूवल मिला, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा जी अलीजा प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं। जी अलीजा आप हमारे साथ हैं। अच्छा आई थिंक ये अभी साथ नहीं है। सर अब आप प्लीज सर उस्मान अहमद को अनम्यूट कीजिए, हम उनको जानना चाहेंगे कि वो कौन है, उन्होंने हमें कहां से ज्वाइन किया है। जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ एक लोकल यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो ये मैडम ने पहले बात की थी कि आजकल इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि आप गुजारा ही नहीं हो रहा, इवन आप बिलीव करें कि जितनी सैलरी है आधे से ज्यादा सैलरी तो बच्चों की फीसों में गुजर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उनके ट्यूटर का खर्चा दे दे तो आप यूं समझ लें कि 15 दिन के बाद ना भीख मांगने वाले हालात हो जाते हैं और समझ कुछ नहीं आ रही कि क्या करें। पहले तो ये था कोविड से पहले तो ये था कि कुछ मैं विजिटिंग में पढ़ा लिया करता था, लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ वो विजिटिंग लेक्चर भी सारे बंद हो गए। अब तो बस ये कि 5 बजे मैं फारिग होता हूँ, घर आके बैठ जाता हूँ, आके शक्लें देखता हूँ कि अब क्या करना है। ये जितनी भी खवातीन की मैंने बात सुनी है मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ये इस चीज में भी इन्वॉल्व है। अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे और अल्लाह मुझे भी कुछ मतलब हिदायत दे कि मैं कुछ कर सकूँ। जरूर जरूर होगा, अल्लाह ने आपके साथ भलाई कर दी है, आप यहाँ तक आ गए हैं अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह जरूर होगा, जरूर होगा। बस सर आपने गिव अप नहीं करना, कोई चीज मुश्किल लगे ये सोच के कि मुझे मुझसे नहीं हो रहा तो आपने बस गिव अप नहीं करना, यही सक्सेस की है आपकी।
मैम आप बिलीव करें, जब मैं ज्वाइन कर रहा था ना सेशन, मैं सोच रहा था कि मेरे से तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहरहाल अब मैं थोड़ा सा हो गया हूँ, ट्रस्ट हो गया मुझे थोड़ा सा कि नहीं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा। बस ये चीज है कि जैसे जैसे गाइडलाइन मिलेगी, जैसे जैसे असाइनमेंट सबमिट कराने का हम बोलेंगे, आपने उसको फॉलो कर लेना है एज इट इज, फिर डेफिनेटली आगे जाके आप अर्निंग की तरफ भी जाएंगे, आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, हर चीज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच सर। बल्कि मेरी वाइफ ने ये सीखना था, वो डर की कहती पता नहीं यार कितना मुश्किल काम है, मेरे से हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो मेरे साथ बैठी हुई है, मैंने उनको साथ बिठाया, मैंने कहा आप बैठ के सुने तो सही ना, देखें क्या होता है। जितना सिंपल हमसे हो सकता है हम उसको उतना सिंपल कर सकते हैं, हम करते हैं, जरूर करते हैं, एक एक अल्फाज की हम चार चार मीनिंग आपको बता देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करें आप इस चीज को, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ओके थैंक यू। जी सर, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी ये सर उस्मान से, थोड़ा शेयर करना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी मिस वेरिया जी, ये एक तो हमारे सिटी से हैं, फैसलाबाद से हैं, उनको वार्म वेलकम कहते हैं हम अपने ग्रुप में, और दूसरा ये है कि ऐसी चीज दुनिया में नहीं होगी शायद कि जो अगर आप समझें कि नहीं हो सकती, हर काम हो सकता है। जब मैंने 3 महीने का कोर्स किया ना इनेबलर, मैं समझती थी कि मैं, और मेरे से हर कोई पूछता था कि आपने काम नहीं करती, आप काम नहीं करती, तो मुझे समझ ही नहीं लगती थी कि मैं इनको क्या आंसर हूँ, इतनी हैवी फीस के साथ सीख के भी मैं काम नहीं कर पा रही। यकीन करें कि मैं इतने प्राउड के साथ सब कहती हूँ कि मैंने सीखा है और मैं कर रही हूँ, चाहे अभी तक कुछ भी नहीं अर्निंग, लेकिन मैं कह सकती हूँ दूसरों को। तो उस्मान भाई बात यह है कि अपनी वाइफ को ये भी आप बताएं कि देखें 4 बच्चे हैं, जैसे आसिया ने कहा कि वो भी कर रही है, 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, और शाम में मेरी एकेडमी होती है, मैं एकेडमी चला रही हूँ, और सुबह के टाइम में कुरान के स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, हिफ्ज़ किया हुआ है। तो अगर और अमेज़न को ये एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है जो पूरी रात में मेरे ख्याल 12 या 1 बजे तक मैं देती हूँ, तो हर काम हो सकता है। 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया मैम और सर के साथ, तो माशाल्लाह 15 दिन की क्लास के बाद अगर हम अप्रूवल भी लेके और क्लाइंट भी लेके बैठे हैं, तो आप अपनी मेहनत पे और अपने वर्क पे यकीन रखना है। आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो मेरा तो ये दावा है कि आप सीख के ही जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस एक फॉर्मूले को आप रखिएगा, डेली का टास्क डेली होना चाहिए, दैट्स इट, कुछ ज्यादा ना करें। मैं आपको ये कहता हूँ, जो सिखाया जाए बस वो सीख के उसको उसी दिन के लिए उतना कर ले, बस दैट्स इट, ज्यादा आप ना करें, ठीक है? डेली का टास्क डेली कंप्लीट, सिंपल, यही फॉर्मूला है सक्सेस का, ठीक हो गया? वो एक मुहावरा है ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, वो परसों भी हो सकता है। तो सिंपली सिंपल इज दैट कि आज का काम आज ही करना है, कल पे भी नहीं छोड़ना। उस्मान साहब ये लड़कियां कर रही हैं तो हम तो फिर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चले जी। अच्छा जी सर, हमारे साथ राबिया अदनान हैं, आप प्लीज इनको अनम्यूट कर दीजिए। जी राबिया अदनान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राबिया है और मैं फैसलाबाद से हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और मुझे भी काफी मोटिवेशन मिली, मैंने अमेज़न के बारे में काफी सुना और काफी कुछ सीखने को इस पे मिल सकता है, और अगर हम मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये बेस्ट वे ऑफ अर्निंग भी है। तो बड़ी होपफुल होकर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, और माशाल्लाह आप सबकी बातें भी सुनी है तो बहुत अच्छा लगा है, और बड़ा अच्छा लगा कि डिसीजन ये बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इल्म जो है ना वो कभी रायगा नहीं जाता, ठीक है ना? ये आपको किसी न किसी मोड़ में जरूर फायदा देगा, ठीक है? अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू राबिया अदनान। सर हमारे साथ कुरतुलन हैदर हैं, काइंडली आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। जी कुरतुलन प्लीज अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम फिजा एंड सर, मुझे मिस सवेरिया ने जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाया ये प्लेटफॉर्म, और मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत 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 ज्यादा तारीफ की। इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड हमने ईसी से एक्सट्रीम कॉमर्स से जो है वो कोर्स किया, लेकिन बात वो ये कि हमारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने फेसबुक पे जो है वो सर्च करी थी कोई टीम मिल जाए मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, मैं सिर्फ लेक्चर्स लिए हैं लेकिन काम करने में वो बात ही नहीं हो पा रही थी, हाथ ही नहीं चल रहे थे समझेंगे जब कंप्यूटर पर करने बैठते तो। हाँ तो मैम सवेरिया ने मुझे गाइड किया, और इतने सारे लोग एक्सपीरियंस सुनने के बाद मेरे हस्बैंड भी साथ ही बैठे हुए, हम दोनों बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं कि इंशाल्लाह ताला
हमारे पैसे जाए नहीं होंगे और हम कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपने आप पे प्राउड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बस आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि एक ही फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिएगा, डेली का काम डेली, दैट्स इट। ज्यादा भले आपसे नहीं हो पाता कोई बात नहीं। जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी सर। जी सर, आई थिंक किसी का माइक खुला हुआ था। okay. जी सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके जी जी, बस मेरा हो गया, कोई और रहता है? सर एक और स्टूडेंट थी मिस तैबा, आई थिंक वो ज्वाइन नहीं कर पाई है, मे बी कोई इशू हो तो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात। आपका माइक खराब है, मैसेज आया था आपका माइक खराब हो रहा है, ऐसा ही उनका माइक काम नहीं कर रहा। चलें ठीक हो गया। अलीजा का मैं बता देती हूँ, अलीजा भावलपुर से हैं और इन्होंने भी हमें एक महीना पहले ज्वाइन किया था और इनका जो होलसेल बिजनेस मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है और ये वन टाइम ब्रांड से अप्रूवल भी लेकर आ चुकी हैं, तो काफी ये भी टैलेंटेड बच्ची है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इनके लिए भी मैं सब लोगों से कहूंगी कि दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्की दे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स हैं हम लोगों की। स्टूडेंट जो हमसे पढ़ के गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्राइवेट लेवल यूके में कर रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं जुल्फकार अली, ठीक है। एक और स्टूडेंट है हमारे फैसलाबाद के, ठीक है, ये होलसेल का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है यूएसए में, ठीक है, और बहुत हेल्प की है मैडम ने इनकी, ठीक है। तो जी इनका अकाउंट मैं ही हैंडल कर रही हूँ, बिल्कुल काफी आगे तक ये माशाल्लाह पहुंच गए, बेसिकली हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट थे। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन कर दूं कि देखें जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती उनको तो एक ही काम सूट करता है कि वो एज अ विजुअल असिस्टेंट मार्केट में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी किचन मनी अरेंज है, आपको किचन मनी की कोई टेंशन नहीं है और आप कहते हैं कि आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी है तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं सकती, तो ये उस फैमिली में से है, शेख फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और इनके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी तो पीएल में ये जाने से डर रहे थे, तो मैंने कहा चले आप होल सेल से स्टार्ट लें, तो इन्होंने होल सेल से स्टार्ट लिया है। ये मेरी दूसरी क्लाइंट है मिसेज मरवा अहमद, ठीक है, इनका भी मतलब है कि होलसेल बिजनेस है अपना, ठीक है। ये दो फैमिलीज ऐसी थी कि जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, इन्होंने क्लाइंट की तरफ तवज्जो ही नहीं दी क्योंकि इन्हें काम समझ में आ गया ना सारा। जी अच्छा जी, ये हमारी अचीवमेंट है, ठीक है, हमारी जो यूके में क्लाइंट है हम उनका अकाउंट हैंडल करते हैं, ये उनकी एक दिन की प्रोग्रेस थी, ठीक है, उनको जो 20 ऑर्डर्स आए थे तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं और आगे चलते हैं। ये उनके अकाउंट की हिस्ट्री है। ये एक और हमारा स्टूडेंट भी रहा है और क्लाइंट भी है हमारा, यूएसए में पीएल कर रहा है। अच्छा जी, और साउथ लाइन तक आते हैं, ठीक है, लेकिन अब एक मिनट रह गया, मैं दोबारा लिंक बनाता हूं और आप लोगों को भेजता हूं, ज्वाइन कीजिएगा। जी न्यू लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, सब लोग उसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे।